सर गुड आफ्टरनून सर, आफ्टरनून जी। और थैंक यू सो मच सर कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ ज्वाइन किए हैं सर। जी बिल्कुल। और सर हमारे साथ ये सभी हमारे जो हेल्थ पार्टनर है ये जुड़े हुए हैं सर। ठीक है जी। सर थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए सर हमारे हेल्थ पार्टनर को सर। ओके जी। गुड आफ्टरनून जी सबको। गुड मैं डॉक्टर आफ्टरनून गुरमेर सिंह। आवाज आ रही है जी सबको? जी ए मैं डॉक्टर गुरमेर सिंह। मैं बेसिकली पंजाब से हूँ। मैंने अपनी MBBS गाजियाबाद से की है और अभी उदयपुर में हूँ। एंड आई एम करंटली परसुइंग माय MD रेस्पिरेटरी मेडिसिन उदयपुर में। दिक्कत ना, रुपया कम है इसमें करें बात इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में, कैसे करें? सर। सर हिंदी में ही हिंदी बात करेंगे तो क्योंकि सबके लिए हिंदी कॉमन में ठीक प्लेटफॉर्म हिंदी रहेगा हमारे हेल्थ पार्टनर्स चलो। का। ठीक ठीक जी ठीक थोड़ी जी मेरी हिंदी खराब भी हो सकती है, थोड़ा नहीं, साथ बाकी की कर सारे हेल्थ रहे पार्टनर सर। सभी समझ जाते हैं हिंदी में। अच्छा भी समझ जाते हैं। चलो ठीक है जी, बढ़िया। अच्छा तो यार देखो, रेस्पिरेटरी मेडिसिन जो ब्रांच है वो बेसिकली डील करती है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और जो अपने लंग्स हैं इसमें डील करती है। इसमें जितने भी इन्फेक्शंस हैं, जितने भी डिजीजेज हैं, बीट छोटे से छोटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेके बड़े से बड़ा कोई कार्सिनोमा हो, वहां तक यह रेस्पिरेटरी मेडिसिन उसमें डील करती है। अपने पास जो मजॉरिटी पेशेंट आता है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? भाई सबसे कॉमन सिम्टम होता है कफ होता है बंदे को। कफ के साथ वो स्पूटम भी आ भी सकता है, स्पूटम नहीं भी आ सकता। उसको सबसे सेकंड कॉमन जो सबसे है सिम्टम वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसको कहते हैं सांस फूलना। अब सांस फूलना अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाओगे तो बहुत सारी उसकी ग्रेडिंग होती है, लेकिन हम सिर्फ इतना देखेंगे कि सांस फूलने की कंप्लेंट होती है। बाकी कंप्लेंट होते हैं छींके जुकाम लगती है मरीज को। मरीज को किसी भी तरीके, ज्यादातर मरीज क्या कहेगा जी, वो आपको सीधा डायग्नोज बताएगा, भाई मेरे को तो TB है, भाई मेरे को तो दमे की बीमारी है। आपको उस पे बिलीव नहीं करना, आपको जाना है अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशंस पे, खुद की रिपोर्टिंग पे। हाँ फॉर एग्जांपल कोई बंदा ये कह रहा है कि जी डायग्नोज कैंसर है, वो और चीज है। चलो वो CT की रिपोर्ट्स होगी उसके पास, बायोप्सी रिपोर्ट्स होगी उसके पास, सब कुछ होगा उसके पास। अभी के लिए जैसे हमें ना इसमें हिस्ट्री टेकिंग देखनी होती है, हिस्ट्री लेनी होती है मरीज की, सबसे जरूरी जो चीज है। आधी से ज्यादा बीमारी आपकी हिस्ट्री में ही पता चल जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मरीज आया आपके पास, आपको कहेगा जी मेरा सांस फूलता है, लेकिन तभी फूलता है जब बादल छाते हैं। यहाँ पर उदयपुर में ये बहुत कॉमन लोग कहते हैं कि जब बादल छाते हैं सिर्फ तभी मेरा सांस फूलता है, तब मेरे को छींके जुकाम आती हैं और ये सब कुछ। तो अगर आप ठीक से हिस्ट्री लोगे कि यार तुम्हारे घर वालों में भी किसी को है, वो ज्यादातर बोलेगा हाँ मेरे माँ को है, ज्यादातर माँ को ही बोलते हैं। मेटरनल इसका होता है, डिसेंट मेटरनल होता है, पिता का भी बोलते हैं बट बहुत कम बोलते हैं। इससे हमारा हिस्ट्री हिस्ट्री से पता चलता है। 90% ऑफ दी पेशेंट वर्कअप डिपेंड्स ऑन दी हिस्ट्री टेकिंग। पेशेंट से पता चल जाएगा कि यार इस बंदे को अस्थमा है, 90% ऑफ दी डायग्नोज आपका तैयार हो जाता है हिस्ट्री टेकिंग से। बाकी आप अपने दो चार इन्वेस्टिगेशन होती है, स्पायरोमेट्री करवाओगे, 6 मिनट वॉक टेस्ट कराओगे, अपना आपका कंफर्म डायग्नोसिस बन जाता है। ये एग्जाम्पल है कि आप हिस्ट्री टेकिंग से एक मरीज का 90% ऑफ द डायग्नोसिस बना सकते हो। अभी सबसे ज्यादा कॉमन रेस्पिरेटरी जो दिक्कत है, पता किसी को क्या है? वो अपने इंडिया में TB है जी। टीवी सर अपने जो सबसे कॉमन है वो ट्यूबरक्लोसिस है। सबसे बड़ा जो स्टेप होता है, जो सबसे MD मेडिसिन जैसे ब्रांच है, जो वो भी ये गलतियां करती हैं, वो क्या करती हैं जी, एक्सरे करा लिया, एक्सरे में देखा, एक्सरे में लगा कि ये तो TB लग रहा है, और इसकी TB की दवा चालू कर दी। सबसे गलत चीज यही हो सकती है एक TB के इलाज में। आपको जब तक कंफर्म्ड ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस नहीं है आपके पास, आप ट्यूबरक्लोसिस का मैनेजमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हो तो आप लीगली आंसरेबल हो कि आपने ये क्यों किया है।
आप इस चीज से बचने के लिए दो तीन बेसिक्स इन्वेस्टिगेट कराना, उसकी जेड स्टेनिंग होती है, उसमें ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया एक बेसिलाई शेप्ड होता है। AFB टेस्ट में क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया की शेप है ना वो रंग जाती है, तो हमें पता चल जाता है यार इसमें टीबी का बैक्टीरिया है। अगर हम उस जांच के बिना टीबी की दवाई दे रहे तो बहुत गलत है। उसका गलत क्या, दिक्कत क्या आ सकती है पेशेंट को, टीबी नहीं है। अब एक्सरे में तो कैविटी किसी और चीज की भी हो सकती है, निमोनिया की हो सकती है, कोई पुराना फेफड़ा खराब है तो फाइब्रोसिस की हो सकती है, या इनफैक्ट कोई पुराना टीबी, जरूरी नहीं टीबी ना हो, टीबी हो सकता है लेकिन 25 साल पुराना हो जो कि ओल्ड हील्ड टीबी है। हम हील्ड टीबी पे भी टीबी की दवाई देते रहेंगे तो वो गलत होगा, है कि नहीं? तो इसके लिए आपको दो चार टेस्ट जो है ये सीबीनेट वगैरह करवाना पड़ता है। अब मान लो, अच्छा ये भी बहुत, यहाँ ओपीडी तक हम यही एक्सपेक्ट करते हैं बेसिक, कि आप ये तीन चार टेस्ट करवा के रखें। अब कई बार क्या होता है जी, स्पूटम आपने कराया, स्पूटम का सीबीनेट और AFB दोनों नेगेटिव आ गया, भाई फिर हम कह देंगे कि टीबी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास एक्सरे पड़ा है, एक्सरे में हमें पूरा शक है कि यार ये तो टीबी ही होना चाहिए। हम उसकी सीटी स्कैन कराएंगे, यूजुअली CCT कराते हैं, लेकिन अगर क्रिएटिनिन बड़ा होता है तो हम HRCT या NCCT करवाते हैं। सीटी थोरेक्स में टीबी का सबसे, जिसे हम हॉलमार्क फीचर बोलते हैं, हॉलमार्क फीचर क्या है टीबी का, एक तो आपको कैविटी दिखेगी, कैविटी के बाद एक छोटे छोटे ना ब्रोंकिक ट्रेसेस बोलते हैं, एक धब्बे बन जाते हैं गोले, लेकिन वो गोले ना जुड़ जाते हैं, जैसे पेड़ की शाखाएं नहीं होती वैसी शेप बनती है, उसका नाम भी यही है, ट्री इन बड अपियरेंस। अब आपको ये दो चीजें दिख रही हैं सीटी में, लेकिन स्पूटम नेगेटिव आ रखा है। इसके बाद आप इन्वेजिव प्रोसीजर पे जाओगे, ये ओपीडी बेसिस पे नहीं हो पाएगा, आपको हायर सेंटर पे रेफर करना पड़ेगा, ब्रोंकोस्कोपी करवानी पड़ेगी पेशेंट की। ब्रोंकोस्कोपी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, एक जिसे दूरबीन जांच बोलते हैं हिंदी में, नाक से आपको एक ट्यूब डालते हैं, अंदर से सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसको सीबीनेट और AFB के लिए भेजते हैं। 95% ऑफ द पेशेंट्स में उसकी सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी बहुत है उस चेस की, 95% ऑफ द केसेस में वो पॉजिटिव आ जाते हैं। चलो ये भी एक स्टेप और आगे बात कर लेते हैं, मान लो उसमें भी नेगेटिव आ गया लेकिन आपको फिर भी शक है कि यार टीबी तो लग रहा है मेरे को, तो टीबी अगर हम उसके बैक्टीरिया के बारे में जाने तो वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो सीबीनेट है, जो AFB है, ये माइकोबैक्टीरियम को पकड़ता है ना कि ट्यूबरक्लोसिस को। अब माइकोबैक्टीरियम तो ट्यूबरक्लोसिस के अलावा भी कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वो उसको डिटेक्ट कर रहा है, टीबी नहीं है उसको। यहाँ राजस्थान की लोकल भाषा में टीबी की बड़ी बहन बोलते हैं, टीबी की बड़ी बहन बोलते हैं, उसमें क्या है, हम इंग्लिश में क्या टर्म है, नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम, भाई ये ट्यूबरकुलर नहीं है लेकिन माइकोबैक्टीरियम है। फिर हमें और अलग अलग सेंटर्स में जांच भेजनी पड़ती है, कि इसको NTM कल्चर बोलते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी बोलते हैं, इनफैक्ट हम नॉर्मल स्पूटम का भी कल्चर सेंसिटिविटी करा सकते हैं कि यार इसमें टीबी के अलावा कोई, और यूजुअली सबसे कॉमन वार्ड्स में जो आता है वो स्यूडोमोनास आता है, पेशेंट अगर थोड़ा सिक है क्लेब्सियल्ला आता है, ये सब आता है। बाकी ट्यूबरक्लोसिस भी आधी से ज्यादा आपकी हिस्ट्री में ही पता चल जाता है, पेशेंट क्या क्या कंप्लेंट करेगा टीबी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी डीपली नॉलेज सर इंफॉर्मेशन दी है सर। और सर कि जैसे कि आप अभी जियो में जुड़े हैं, तो सर आपको कैसा लगा जियो के साथ आप आए हैं जियो प्लेटफॉर्म पे सर? जी बड़ा अच्छा लगा जी, जियो में ये सब जो डॉक्टर्स हैं हमारा साथ दे रहे हैं, ओपीडी अपनी अपनी भेजते हैं, अच्छा लगता है। आई होप उन्हें भी अच्छा लग रहा हो हमारा ट्रीटमेंट। जी, हाँ सर, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर जो जो हेल्थ पार्टनर हमारे आपको दिखा रहे हैं, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है सर। जी और मैं सभी हेल्थ पार्टनर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक एक करके सर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं सर से। क्वेश्चन करो ना। जी जी पूछिए। हेलो हाँ जी सर, मैं पूछना चाह रहा था, जैसे कोई एलर्जी का अस्थमा है तो उनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है सर, इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह ऐसा कुछ?
बार बार छींक फिजिकली आना कनेक्ट। सुबह सुबह। देखो अगर तो आप सिंपली एक ट्रीटमेंट दोगे वो तो वही है, आप एंटी एलर्जिक दे दो, राइट। लेकिन अगर एंटी एलर्जिक से भी ट्रीट नहीं हो रहा तो आपको एक दो टेस्ट हैं जो करवाने पड़ेंगे, क्योंकि एलर्जी किस चीज से, आपको ये पता करना पड़ेगा पहले। तो एंटी जी सर, एलर्जिक ले इसमें ही सकते हो, लेकिन आप कोई एलर्जन के कॉन्टेक्ट में हो तो एलर्जी ठीक नहीं होगी कभी भी। जी सर, इसके पर्टिकुलर कोई टेस्ट देखो होगा अगर तो पैसे का कोई इश्यू नहीं है तो आप एलर्जी पैरल करा सकते हैं, उसमें जितने भी नॉन एलर्जन है उनके अगेंस्ट आपका टेस्ट होता है, पता लग जाता है किस चीज से एलर्जी है। अगर उससे अगर पैसे का इश्यू है तो एक सबसे पहले तो कराइए टोटल आईजी, सीरम आईजी, अगर वो रेज जाता है मतलब एलर्जी तो कंफर्म्ड है। उसके बाद आप करा सकते हैं एस्परजिलस स्पेसिफिक आईजीजी और आईजीई, उस सबसे ज्यादा कॉमन क्योंकि फंगस से होती है एलर्जी इंडिया में, इसीलिए 99% में वो ही बढ़ा हुआ आता है और अब उसके अगेंस्ट स्टेरॉयड ट्रीटमेंट चलता है, ओरल स्टेरॉयड। जी तो सर, 6 6 हफ्ते मिनिमम का ट्रीटमेंट है ये, तो वो लेकिन टेस्टिंग के बाद होगा, आप टेस्टिंग के बिना अगर स्टेरॉयड चला रहे हो वो भी गलत है। पूछना चाह रहा हूँ, आप उदयपुर में कौन से हॉस्पिटल में है सर? मैं भी यहाँ पास में, 100 किलोमीटर पास में, बड़ी सादड़ी। तो अच्छा मैं पिम्स में हूँ जी, जो पैसिफिक बेदला वाले में सर? है, नहीं उमरडा वाले में। जी जी, बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। जी क्योंकि पेशेंट हमारे यहाँ उदयपुर भेजता रहता हूँ, मैं रेफर करता रहता हूँ, जी तो जी इसलिए हमारे पूछ यहाँ रहा पे हूँ। एक्चुअली आपकी साइड से है, मैं बड़ी सादड़ी तहसील सर, 100 किलोमीटर पास, उदयपुर से पास में है। जी उधर से आते हैं ब्रोंकोस्कोपी के आ रहे हैं पेशेंट्स, अभी आजकल में ही भी आ रहे हैं। जी सर, तो जी मैं भी उनको काफी इधर रेफर करता हूँ, तो मैंने एक बार विशेष आपसे ही, चलो पास के डॉक्टर साहब, आप तो यूँ लगता है पेशेंट को भी, चलो वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट मिला तो वो भी एक अच्छा मोटिवेशन हो जाता है पेशेंट। कोई इन्वेजिव प्रोसीजर हो तो जरूर रेफर किया करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ पे फैकल्टी काफी अच्छी है फिलहाल। जी, सर, जी हाँ जी वो जी पता है सर वो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर, और कोई हमारे हेल्प पार्टनर सर से बात हेलो। करना चाहते हैं? हाँ सर, नमस्कार नमस्ते जी। सर, मैं मनोज त्रिपाठी बोल रहा हूँ, चित्रकूट से, श्री राम जी इमित क्लिनिक से। हेलो जी जी सुन पा रहा हूँ मैं, बताइए। सर, ये एलर्जी जो है, जैसे किसी किसी को शरीर में खुजली के कारण हुआ करती है, उसके लिए कौन से टेस्ट होते हैं? दाने दाने पड़ जाते हैं। एलर्जी शरीर में खुजली के कारण नहीं होती, जी खुजली एलर्जी के कारण होती है, जी 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 वही है, सेम वही बात है। अगर पैसे का इशू नहीं है, आप पूरा खून की जांच देके देख सकते हैं कि एलर्जी किस चीज से हो रही है, उसे एलर्जी पैनल बोलते हैं। हाँ एलर्जी पैनल। जी एलर्जी पैनल बोलते हैं, वो टेस्ट होता है, जी वो थोड़ा सा महंगा जी है, किसी किसी जगह पे 7 8 हजार का होता है, किसी किसी जगह पे 13 14 हजार का होता है। जी सबसे बेस्ट तो वही है, उसके बाद वही बताया जी सीरम आईजीई और एस्पर्जिलस स्पेसिफिक आईजीई और आईजीजी। अच्छा, जी ठीक, चलो सर, हेलो, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो जी सर, जी जी सर पूछिए। नमस्ते। नमस्ते जी। जी मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे किसी का हमने एलर्जी प्रोफाइल टेस्ट करवाया है, उसमें अगर पर्टिकुलर मेरे इधर कटा गया भाई, आप पे भी कट अब गया। आ रही है हाँ जी 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 बताइए। तो सर उसका क्या ट्रीटमेंट है? जैसे अगर किसी को किसी लेमन से आया, किसी को क्लोव से आया है, और ब्लैक पेपर से आया है, तो उसका फिर क्या उसका ट्रीटमेंट हो कोई सकता है? ट्रीटमेंट, उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, उसका कराने का मतलब ये है कि आपको पता चल गया आपको इन 5 चीजों से एलर्जी है, आपको इन 5 चीजों से अब दूर रहना है, इसका कोई जड़ से इलाज नहीं होता। जी आपकी बॉडी में ये करते एक एलर्जिक एक इम्यून, वो एलर्जी कुछ गलत चीज नहीं है, जैसे बुखार है, लोग बुखार को समझते हैं बहुत गलत चीज है, बट बुखार तो आपके बैक्टीरिया को मार रहा है। आप किसी भी बुखार रहेगा 14 दिन, अच्छी बात है बुखार रहना, एलर्जी एक बॉडी का रिस्पॉन्स है एलर्जन को, वो आपको बता रहा है कि ये चीज मत खाओ भाई, तो जी इसका कोई इलाज नहीं है। वो जिस जिस चीज से आपको एलर्जी है, आपको उस चीज से परहेज रखना पड़ेगा। एक्चुअली सर, मेरे पास अभी पेशेंट आए थे, अपने उदयपुर से आगे डूंगरपुर है वहां से एक पेशेंट है, ठीक है सर, तो उन्होंने एलर्जी प्रोफाइल करवाया था और उसके बाद में वो 3 इंजेक्शन लेके आए थे मेरे पास कि ये हमारे डॉक्टर साहब ने दिए हैं, यहाँ से लगाने हैं, इसीलिए पूछ अच्छा रहा था देखो, सर। अगर तो किसी
फूड पार्टिकल से है, आप हाँ कह रहे फूड थे जैसे लेमन पार्टिकल वगैरह से है, उसका नहीं होता कोई इंजेक्शन। लेकिन हाँ अगर आप वैक्सीन देते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन देते हैं, कुछ ऐसी वैक्सीन, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट आपको एलर्जी है तो वैक्सीन आप लगा सकते हैं, कि अगर आगे आपको कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो इतना ज्यादा एग्जैजरबेट होके ना आए कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ जाए, कि आपको जी आए तो छींक के जुकाम में निपट जाएगा। अच्छा सिवियरिटी कम करने के लिए इंजेक्शन होते हैं वो, कि भाई इतने सीवियर ना हो, अब छोटे मोटे छींक के जुकाम लगे और 2 दिन में ठीक हो जाओ, वो वैक्सीन का ये रोल होता है। इनफैक्ट सीओपीडी अस्थमा में भी हम जो 60 से अबव होते हैं न्यूमोकोकल और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देते हैं, ताकि होना तो है ही है। इंडिया में लोग क्या करते हैं, पंप 2 दिन लेंगे 3 दिन लेंगे बंद कर देंगे, अपनी जी ओपीडी कभी बंद नहीं होनी, क्योंकि पेशेंट हमारा इंडिया का ऐसा ही है, ओपीडी हमारी चला के रखेगा उसको। आप 3 बारी का, 3 बारी का होगा ना, 3 बारी आना, 10 बारी आएगा वो ऐसी हरकतें मारेगा प्लीज, तो वो पेशेंट कंप्लायंट नहीं होता। पेशेंट अगर कंप्लायंट हो गया तो बीमारियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी भाई इंडिया में। नहीं बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। ओके हाँ थैंक यू। हाँ जी सर नमस्ते जी, नमस्ते जी। मुकेश सर पूछे सर। सर जी मैं ये पूछ रहा हूँ सर, अधिकतर बारिश में ये देखने को मिलता है सर, जैसे एलर्जी होती है, मतलब शरीर में खुजली टाइप की चलती है, मतलब फुंसी वगैरह कुछ नहीं रहती शरीर में, ओनली एलर्जी रहती है सर। तो अपन जैसे नॉर्मल की अपन एलर्जी टेबलेट देते हैं, उसको जब तक यूज करते तब तक ठीक रहती है, इसके बाद बाकी से सर वो एलर्जी होने लगती है सर, खुजली चलने लगती है देखिए मैं बारिश में सर बाकी। वही बात कर रहा हूं। अब कई लोगों को मौसम से अगर हो रही है तो हाँ आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यून बूस्टर्स भी साथ दे सकते हैं, अच्छा विटामिन ई दे सकते हैं, और आप उन्हें थोड़ा हेल्दी डाइट बोल सकते हैं, कूल जिसमें आयरन स्टोर जब सिम्टम्स, अगर आयरन और कैल्शियम कम कम भी बहुत कम से सिम्टम्स आते हैं, लाइक ठीक होना शुरू हो रहा है वो काइंड ऑफ। सर, इसके अलावा सर जैसे है ना बारिश की बता रहा हूँ सर, मैं एक दो पैसे आते हैं सर आए थे अभी, जैसे नहाने के बाद सर उनको एलर्जी होती है, जब तक जैसे पानी में नहीं भीगेंगे तब तक कुछ नहीं होगा उनको, जैसे वो नहाते हैं तो उनको मतलब ईचिंग होने लगती है, एलर्जी होने लगती है नहाने के बाद तुरंत भाई वो मेरे भी होती है, सर, मुझे देखो वो होती मैं है आपको इसलिए बताता हूँ पूछ क्यों होती है, मैं आपको बताता हूँ, वो भी एक कारण है। रहा हूँ। पानी से एलर्जी नहीं है, वो हार्ड वाटर होता है, पानी के अंदर कैल्शियम, सोडा, हाँ बाइकार्ब, ये सब कुछ ज्यादा है, ये हार्ड समझता वाटर बोलते हैं इसे। मेरे को भी, है मेरे ये हॉस्पिटल उदयपुर साइड में सर, थोड़ी दिक्कत आ रही है, अपने पंजाब साइड मेरे को भी नहीं आती ये दिक्कत, ये समझता पानी थोड़ा हार्ड वाटर कहते हैं इसे, गंदा नहीं बोल सकते, हार्ड हूँ। वाटर बोले भाई। बारिश में क्यों होती, बारिश में ही क्यों होती है? आप कभी भी देखना जिस पेशेंट को बारिश में ये हो रहा है ना, वो पहली बारिश में होगा, तीसरी चौथी बारिश में नहीं होगा, वो भी बताता हूँ क्यों। पहली बारिश में सारा जो आसपास का गंद है वो सेटल हो रहा होता है, धूल मिट्टी सेटल होती है ना पहली बारिश में, तो वो धूल मिट्टी के कारण ज्यादा एलर्जी जी होती है। आप कभी भी देखना जो आपके पास भी पेशेंट आएगा आपके यहाँ पे, तीसरी चौथी के बार तीसरी बार बारिश हो रही होगी ना, तब उसे कुछ नहीं होगा, एक दो बार पहली बारिश में दिक्कत आती है। बाकी एलर्जी ऐसी चीज है जी, हर बॉडी पे, हर पर्सन पे अलग अलग इफेक्ट डालती है, किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। लोगों को पैरासीटामोल से एलर्जी है, आप सबकी पहली दवाई पैरासीटामोल होती है, मानते हो मेरी बात? बिल्कुल मेरे को है जी पैरासीटामोल एलर्जी, मेरे को ये नहीं है, ये भी एक बहुत रिसेंट बात है, इन्फेक्शन एक कोविड के बाद हुआ है, ये बहुत कॉमन कि पैरासीटामोल से एलर्जी आ रही है सबको। उसके लिए आप थोड़ा, अगर देखते हैं ना किसी को कोई कह गया पैरासिटामोल खाने के बाद ये रैशेज हो रहे हैं, इचिंग हो रही है, तो निमोसुलाइड उसका जो ऑल्टरनेटिव है वो दिया करिए आप। अच्छा जी सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो हाँ जी, जी डॉक्टर साहब बात करिए, बताइए। हेलो हेलो हाँ जी, हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। एक पेशेंट है, उसको 4-5 साल से गले में कफ बन जाता रात में सोते समय, ठीक है। और कभी कभी तो उसको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसकी सांस रुक सी जाती है और हाथ पे उसके अड़ जाते हैं, और जब उसको गले में सहलाया जाता है इसके बाद में कफ नॉर्मल हो जाता है, कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा किस कारण से हो सकता है सर?
पेशेंट की वो क्या है, वजन वगैरह क्या है, मोटा है क्या पेशेंट? नहीं सर, मोटी नहीं है और 45 ईयर की लेडीज है, दुबली पतली है, ज्यादा मोटी भी नहीं, ज्यादा पतली भी नहीं है। कफ बनता है रात को जी हाँ, रात में सोते समय कब बनता है उसको? और सांस रुकने जैसा फील होता है। हाँ, सांस रुक जाएगा, कब गले में कब जमन जाएगा और सांस रुकेगी, हाथ पैर उसके अकड़ जाते हैं। जी अकड़ जाते हैं। देखो इसका तो थोड़ा डिटेल वर्कअप लेना पड़ेगा। जहां तक आपकी बात से लग रहा है, बहुत कम चीजें आप बता रहे हो मेरे को। ये स्लीप एपनिया की तरफ ज्यादा जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की तरफ। पेशेंट को जी लगता है कि वो कफ बन रहा है, लेकिन वो कई बार क्या होता है, जो अपनी जीभ टंग होती है ना, वो पीछे गिर जी जाती है सोते समय, वो अच्छा आपके एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, आपको सांस जी आएगा ही नहीं। जी आपको लगेगा, एक बार एक मेरे पास मरीज आया था, उसने मेरे को बताया कि रात को मेरा ऐसा सपना आया कि उसने खुद को ऐसे जगाया, खुद को ही जगा दिया उसने नींद से। वो एक बॉडी का रिफ्लेक्स था। स्लीप एप्निया में क्या होता है, जब टंग आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को रोक देगी, आपकी बॉडी किसी भी तरीके आपको उठाने की कोशिश करेगी, वो जी अकड़ना, सांस ना आना, तंग हो जाना, एकदम उठना, ये सब स्लीप एप्निया की जी तरफ निशानी जाती है। इसका थोड़ा डिटेल में वर्कअप करना पड़ेगा, 2 चार इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी, ये फिर जी एग्जैक्ट में बता पाऊंगा। अभी मैं आपके, जहां तक आपके 2 चीजें आपने मेरे को बताई, उसके हिसाब से स्लीप एप्निया की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। सर, उसकी ओपीडी कराना चाहें आपसे तो टाइमिंग क्या रहेगी आपकी? मेरी टाइमिंग डे टाइम जी, में है, करा मैं, सकते हैं सर आप हाँ ओपीडी हाँ कोई दिक्कत नहीं है, टाइमिंग की करा दिक्कत नहीं सकते है। हैं। जी जी हाँ कोई जी सर, दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फिर ठीक है, मैं आज उसको एडवाइस कर देता हूँ। अगर पेशेंट एग्री हो तो उसकी आप डिटेल्स देख लीजिए उसको। ये थोड़ा हॉस्पिटल एडमिशन वाला केस है, ये एडमिट होके जी ये इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ये स्लीप स्टडी होती है, 24 आवर स्टडी, 12 आवर स्टडी होती है ये। अच्छा कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा, मैं कर दूंगा एडवाइस। जी सर, इनके कोई पुराने रिकॉर्ड्स हैं तो आप शेयर कर देना हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप मेरे सर। को भेज ओके दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बात। ओके, थैंक यू सर, थैंक ओके यू। सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्प पार्टनर सर क्वेश्चन एक सर क्वेश्चन है पूछना चाहेंगे? जी। जी सर, गुड आफ्टरनून। एक सर, जैसे पैरासीटामोल टेबलेट, जैसे आपने बोला एलर्जी होती है, ठीक जी है, किसी को, अब इसमें कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कालपोल से नहीं हो रही है, डोलो से हो रही है, और एक इप्का की आती है उससे नहीं होती। एक पेशेंट मेरे पास आया, तो इसका अगर क्या ऐसे हो रहा है तो फिर ये कंपनी में डिफेक्ट है। अच्छा पैरासिटामोल है, अगर पैरासिटामोल ड्रग से एलर्जी हुई तो दोनों से होगी, अगर कालपोल से हो रही है, डोलो से नहीं हो रही, तो कंपनी में दवाई में मिलावट है। मतलब कालपोल से भी हो रही है, डोलो से भी हो रही है, और एक इप्का कंपनी की आती है उससे नहीं होती है। उसमें ड्रग कोई और होगा, नहीं, उसमें पैरासिटामोल पैरास प्लेन एक सिर्फ हजार एमजी हेलो, ये मेरे खुद के भी समझ में आया नहीं, मैंने कहा क्योंकि ये थोड़ा अलग अजीब बात पैरासीटामोल तो है। अब सब में है, कंटेंट हाँ वही, तो सब में ही है। प्लेन अगर प्लेन पैरासीटामोल है फिर तो अजीब बात है। प्लेन है सर। प्रिजर्वेटिव जैसे जी, भी हो सकती है ना सर, प्रिजर्वेटिव जो प्रिजर्वेटिव होता है उसके अंदर, उससे भी हो सकती है। जी तो सर सब में वो सेम ही होता होगा लगभग, पैरासीटामोल। उसमें उसकी मात्रा से या ऐसा कुछ हो सकता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्प पार्टनर जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर से? जी जी सर, सर जी पूछिए सर, पूछिए एक आप। एक पेशेंट है, उसको आइबू पैरा अगर देते हैं तो उसको आराम मिलता है। नीमो पैरा, डाइक्लो पैरा, एसिक्लो पैरा कुछ भी दें तो उसके शरीर में सर कंपन होने लगता है, या कोई एमोक्सी वगैरह, ओफ्लाक्स, सिप्लाक्स कोई भी दे तो उसको कंपन होने लगता है। सॉरी आवाज आ रही है सर क्लियर? हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर।
हाँ तो वो भी पूछ रहे, जानकारी ले रहे ना कि जैसे कि कोई भी अगर आपको नीमो पड़ा यानी कि आईबू पड़ा छोटी अगर कोई भी देते हैं तो कंपनी स्टार्ट हो जाते हैं। ओके ओके सर, वेट कीजिए, सर आ रहे हैं अभी। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। यार एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए, मेरे को समझ नहीं आई, कट गई आपकी आवाज। जैसे कि एक पर्सन है सर, उसको ब्रूपाल आईबू पैरा देते हैं तो उसको सही सही है उसके लिए, बट उसको नीमो पैरा, सिक्लो पैरा, डाइक्लो पैरा या ओफ्लाक्स या सिप्लाक्स या A to Z कोई भी दवाई देते हैं, एमोक्सिसिबी 625 दे देते तो उसको कंट्रोल कर जाती है, बाकी अदर टेबलेट उसको नुकसान करती है सर, कंपनी स्टार्ट कर देती है। शरीर कांपता जी। है। आपने जितनी भी दवाइयां बताई है ना, एक बार सर्च करिएगा, ये सारी ही एलर्जी करवाती हैं, ये सबका साइड इफेक्ट है कांपना, जितने भी आपने गिनवाई हैं। नहीं सबका सर अलग बात है, बट उनको देते हैं तो उनको सिर्फ आईबू पैरा ही काम करती है, बाकी कोई दवाई नहीं काम करती है। अगर प्लेन डाइक्लो देते देख हैं किस तो चीज के लिए ले रहे कंप्लेन, हैं, देख किस चीज के लिए ले रहे हैं, नहीं उनको अगर फीवर वगैरह आ जाता है, खांसी वगैरह आ जाती है तब भी देते हैं, तब भी दिक्कत हो जाती है तो सर। वही तो कह रहा, उसमें तो ये देनी नहीं ना चाहिए। फिर किसमें सर, अगर उनको अभी सियाटिका के लिए अभी इसी पैनल पर दिखाया था तो लखनऊ से समित सर ने लिखा था, तो उसके बाद अगर उनको वो दवाई दी थी तो उसके लिए भी उनको प्रॉब्लम कर गया, फिर उन्होंने दवाई खानी ही बंद कर दी। सियाटिका के लिए भी नहीं ये देते, रजिम ही सर बदल चुका है सियाटिका के लिए भी। सियाटिका के लिए आपको ऐसे न्यूरोकाइन D3 ऐसी टेबलेट्स आपको देनी होती है। डिक्लोफिनेक तो एक पेन किलर है, वो बहुत कॉमन कॉमनली करता है ये सब दिक्कतें। सबसे बढ़िया इलाज, अगर किसी शरीर किसी को शरीर किसी का एकदम कांपने लग पड़ता है, आप ट्रामाडोल दीजिए, सबसे बेस्ट इलाज है। 100 ml NS में ट्रामाडोल का एक एम्प्यूल डालिए, अलग से एक एमसेट लगाइए, पेशेंट तो आपका ठीक हो। मेडिसिन में क्या देना पड़ेगा? किसी सियाटिका की नहीं किसी भी प्रॉब्लम में अगर उसको फीवर और सिर दर्द वगैरह में, आप सिंपल पैरासीटामोल दीजिए। पैरासीटामोल क्या है? एनसेड है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। वो सिर दर्द में भी काम करेगा, वो जोड़ों के दर्द में भी काम करेगा, वो शरीर दर्द में भी काम करेगा, बुखार में भी, हर चीज में काम करता है। ओके सर, बाकी कुछ भी रहने दे देने को फिर। नहीं थैंक यू नहीं सो मच मैं सर। ये नहीं कह रहा, वो उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो आप कंटिन्यू रखिए, वो क्यों बंद करना। मैं तो आपको वैसे बता रहा हूँ कि अगर जिस चीज से एलर्जी वो दिक्कत आ रही है वो बंद कीजिए। नहीं मेरा कहने का मतलब ये है सर, कोई भी एंटीबायोटिक देते हैं, CB 625 को छोड़ के भी हाँ एंटीबायोटिक देते हैं तो उनको कंपन करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, सिर्फ CB 625 के अलावा, चाहे हल्की हो, हल्के में दे चाहे हाई में दे। तो आप ये ग्रुप छोड़ के उस पे जाइए एक बार, सेफ्ट्रैक्ज़ोन या अपना हाँ सिफो। हाँ आपने यूरिन कल्चर कराना सेफ्ट्रक्सोन चाहिए ना सर, क्या बात है। एक-एक कर देते हैं ब्रेक यार, के आवाज इंजेक्शन क्लैश हो गया। को नुकसान करता ये सेफ्ट्रैक्ज़ोन भी इंजेक्शन नुकसान कर रहा है, सिफोटेक्सिम। सेफोटेक्सिम नहीं लगाया है इसीलिए, जब आप सेफ्ट्रक्सोन पूरे काम कीजिए, थर्ड जनरेशन जी सिफेलोस्पोरिन में 5-6 ड्रग्स हैं, वो देखिए और वो ट्राई कीजिए। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन फिलहाल सबसे सेफ ड्रग्स माने जा रहे हैं। जी, तो सेफोटेक्सिम सर लगा के देख सकते हैं। हाँ सिफोटेक्सिम लगा के देखिए, ओके सर, थैंक यू सो 1 ग्राम मच IV BD की डोज में जाता है। सर। जी। और सर मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे, जी कि सर बिल्कुल। ARDS के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर आप? देखिए अभी एक हमारे भाई, इसीलिए आपसे फोन पे भी बात की थी, इमरजेंसी में ARDS का ही पेशेंट आ रखा है। ARDS बहुत ही, मैं कोशिश करूंगा आपको एक एक्सरे दिखाने की, अगर आपको दिखे। अभी हमारे वार्ड में वही पेशेंट है। एक्सरे यस सर, दिख रहा है? ठीक यस सर, शो हो रहा है सर। से दिख रहा है? हाँ सर, ये पेशेंट ARDS का जब आएगा, यूजुअली एक्सरे थोड़ा डिस्टॉर्टेड ही होगा। एक्सरे डिस्टॉर्शन में क्या होगा, ये किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, 99% ये इन्फेक्शन के कारण में ही जाता है। पेशेंट आपके पास कैसे आएगा? एमरजेंसी कंडीशन में ही आएगा, उसकी सेचुरेशन 60-70 के आसपास आपको मिले।
यूजुअली अगर आपके पास 60-70 SpO2 वाला पेशेंट आता है, आपका फर्स्ट थॉट स्ट्राइक करता है ये Type 1 या Type 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में ना हो, आप उसकी ABG करवाते हो। ABG करवाई, इस पेशेंट की हमने ABG कराई, वो नॉर्मल थी। सेकेंड थॉट हमारा गया ARDS पे। ARDS की मैनेजमेंट क्या करोगे, एक्सरे देखोगे। एक्सरे हमने कराया ARDS का सोच के, एक्सरे में लग गया, हमें आधा शक हमारा दूर हो गया कि यार ARDS लग रहा है, लेकिन अभी भी हम इसको ARDS नहीं मानेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। इसका अर्जेंट में CBC कराओगे, CBC में काउंट्स यूजुअली 2 टाइम्स 3 टाइम्स रेज होते हैं ARDS में। जैसे इसका 30,000 कम से कम WBC आएंगे, जहां तक मेरे को लग रहा है 20,000 भी आ सकते हैं, 25,000, पर इतने हाई रहते हैं। फिर आप इन्हें स्टार्ट, इसका रजीम ही है, अभी तक किसी हायर एंटीबायोटिक पे स्टार्ट करेंगे। अभी रिपोर्ट्स आने से पहले हमें पिपरासिलिन और टेजोबैक्टम प्लस एजिथ्रोमाइसिन पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर काउंट्स 30-35 से भी ज्यादा आते हैं तो हम मेरोपिनम जैसे हायर एंटीबायोटिक्स पे जाएंगे। इनका मेन स्टे ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स रहेगा। पेशेंट क्या कंप्लेंट करता है, रोंकाई आते हैं, रोंकाई के लिए आपको नेबुलाइज करवाना है, और एमरजेंसी में अगर रोंकाई आ रहे हैं आपको हाइड्रोकॉट देना। स्टार्टिंग में 200 mg स्टैट डोज दे सकते हो, उसके बाद 100 mg TDS में आप चला सकते हो IV। सर थैंक मेन यू स्टे सर। ट्रीटमेंट इसका आपका एंटीबायोटिक्स रहता है, हायर एंटीबायोटिक्स। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और हमारे कोई हेल्थ पार्टनर सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं अभी। डॉक्टर आशीष सर, आशीष कुमार, आपको वॉइस आ रही है सर? एक सर क्वेश्चन है, ये जैसे नाक से पानी आता है, ये कौन सी, इससे क्या मतलब है? नाक से पानी बहता है, ये तो नॉर्मल आपका कोल्ड है, नहीं वायरल है, कोल्ड तो है, बट ऐसे भी कोल्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी नेजल ड्रिप हो सकती है। वो अच्छा नेजल ड्रिप से मेरा मतलब है, दिमाग में एक होता है ना CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की ड्रिप हो सकती है। पेशेंट को कहिए रुमाल यूज करे, उसको अगर वो गिरे तो रुमाल पे गिरा है। अगर वो CSF होगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होगा, तो टीवी पे वो तीर कमान वाले देखे हैं जो गोले बने होते हैं, रुमाल पे वैसे गोले बन जाएंगे। इसका मतलब है आपका CSF लीक कर रहा है, ये न्यूरो में जाएगा, न्यूरो या ENT में जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई कॉमन क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से? डॉक्टर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। राजेश सर पूछिए। सर मैं बोल रहा हूँ कि जो रिसेंटली COPD का पेशेंट होता है, क्या वो ठीक हो सकता है जड़ से, सांस बिल्कुल फूलना, बिल्कुल जा सही हो सकता है हपना, जी। तो उसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट? मैं देखा हूँ सर, वो कहीं से मेडिसिन लेके आया, यही सब कॉमन लेके आया, सलब्यूटामोल लेके आया और माउंटेन लुगास टेबलेट लेके आया, यही सब जो एलर्जी का पैनल होता है वही चलाया है। तो फिर वो मैं देख रहा हूँ कि वो बोल रही है मुझे 1 महीने से ही हो रहा, फिर देख रहा हूँ कि फिर 2 महीने बाद फिर हो गया खाने के बाद, तो वो किस तरह ठीक किया जा सकता है सर? देखो जो COPD है ना, एक गाइडलाइन आती है जीना, GINA, जी सर। जो सालब्यूटामोल है वो 2021 में ही बंद कर दिया गया था। आधी से ओके ज्यादा डॉक्टर लोग क्या करते हैं, वो गाइडलाइंस अपने आप को अपडेट नहीं करते। हम सबको जरूरी है कि समय के साथ अपने आप को अपडेट रखना है। जी 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 एस्थलिन सालब्यूटामोल 2 साल पहले बंद हो चुका जी है। आजकल सबसे कॉमनली जो चल रहे हैं, दूसरी सबसे बड़ी बात, आप कभी भी पंप लेते पेशेंट को देखिए, वो आज 90% ऑफ द पेशेंट पंप ढंग से नहीं लेता। एक पेशेंट मेरे सामने ऐसे परफ्यूम की तरह पंप यूज कर रहा था, क्या ही ठीक होगा उसका, बताओ COPD। तो सर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा? तो सबसे पहले तो स्पायरो कराओ, स्पायरोमेट्री, उसको है भी कि नहीं COPD। रिवर्सिबिलिटी अगर नहीं आती तो आप उसको MDI में, आता है एरोट्रॉप एफ नाम से, आता है ग्लाइकोहेल एफ नाम से, आता है, आप उससे स्टार्ट करिए। ओके सर। सर उनको राइनाइटिस बीमारी के बारे में कुछ बताएंगे आप, जो बच्चों में ज्यादा होती है? देखिए, वैसे तो ये ENT का टॉपिक है, बट कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। जी साइनसाइटिस और राइनाइटिस, ये नाक नाक के अंदर एक साइनस होते हैं, जी एक जी चीज होती है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, टर्बिनेट्स के साथ लगे होते हैं, अगर उसके इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको राइनाइटिस बोलते हैं। ये एलर्जी के कारण ही होता है, एलर्जी के कारण टर्बिनेट्स फूल जाते हैं,
नाक की नली को ऐसे होती है वो पतला कर देते हैं, इससे सांस लेने में दिक्कत होती है। मरीज बहुत स्पेसिफिक फीचर्स के साथ आता है आपके पास, ऐसे ना आगे को जैसे टेबल पे हाथ रख के ना ऐसे आगे को झुक के मुंह से ऐसे सांस लेता है। क्यों? क्योंकि जी नाक की तो बंद हो रखी है पड़ी नली, नाक की नली बंद हो रखी है, तो मुंह से सांस लेगा तो उसके फीचर्स बहुत अलग से ही दिखते हैं। राइनाइटिस एलर्जी के कारण है, नाक के टर्मिनेट्स फूल जाते हैं, नाक के नली को धीमा छोटा कर देते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है। एलर्जी की दवा लीजिए, नेजल डिकंजेसेंट लीजिए, ठीक हो जाता। कोई बहुत बड़ी सर। दिक्कत नहीं है, बच्चों में मैं बहुत देखा हूँ, कॉमन। मैं देखा हूँ छोटे बच्चे में जो सर 1 साल प्लस होते हैं, कभी कभी सर्दी जुकाम के कारण पूरा नाक जाम रहता है, सांस बहुत लेने में कॉमन है जी, प्रॉब्लम। तो बहुत कॉमन है बच्चों में, सर इसके बच्चे लिए हर मैं चीज तो उठा देखा, के मुंह में डालते हैं जी, कॉमन तो तो हो ये गई। भी जी जी मैं सर देखा उसका SpO2 भी कम आ रहा था, तो सर उसको निमुलाइजर किया जाएगा ना? नेबुलाइज उसकी ऑस्कल्टेट करना पड़ेगा आपको, अगर रोंकाई आ रहे हैं तो आप नेबुलाइज करवाइए। अगर आपको लग रहा है कि नाक में ही कोई दिक्कत है, सबसे ज्यादा जी बच्चों में DNS भी कॉमन होता है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, उसके कारण भी जी SpO2 कम आ सकता है। टर्बिनेट्स फूले हुए हैं, राइनाइटिस है जो आप बता रहे हो, उसके कारण भी ये हो सकता है। नेबुलाइज का रोल तब आता है जब अंदर से उसका लंग्स में उसकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रखी है, बाहरी कंस्ट्रिक्शन है तो आप सिंपल स्टीम इनहेलेशन दीजिए ना, नेबुलाइज क्यों करवा रहे हैं, दवा क्यों देनी बच्चों को। मेरा ये कहने मतलब है, अगर नाक जाम होती है तो क्या हाफ दीजिए SpO2 स्टीम, कम हो, विक्स विक्स डाल के स्टीम दीजिए। SpO2 कम हो सकती है सर जब नाक अगर जाम होती है तो? नहीं, नाक जाम से SpO2 नहीं कम हो सकती। SpO2 जी क्या है? SpO2 है आपके फेफड़े के अंदर हवा गई है, नाक से गई है, जी मुंह से गई है, थोड़ी गई है, ज्यादा गई है, कोई लेना देना नहीं। फेफड़े में हवा गई, फेफड़े के एंड में एल्वियोलाई होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, सर उससे खून में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो रहा है, उससे SpO2 बनती है, ना कि नाक बंद होने से। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ सर मेरा सवाल है। जी जी सर सर जी पूछिए सर सर। हेलो, हाँ जी हाँ जी ये कह रहे सर जो नेबुलाइजेशन का कंसेप्ट है, मतलब अधिकतर हम लोग बच्चों में नेबुलाइजेशन करते हैं, तो किस समय आदि करना चाहिए, उसका सही समय क्या, अगर नाक बह रहा है तब कर। नाक बहने में आप नेबुलाइज नहीं करवा सकते, आपको देखना है कि मरीज में दिक्कत क्या आ रही है। बच्चों में ये भी बहुत कॉमन है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन किसी भी कारण बहुत कॉमन है, अगर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है आप तो नेबुलाइज करवाइए। नाक बह रहा है, नाक बंद है, इसमें नेबुलाइज का कोई काम नहीं, इसमें विक्स डाल के स्टीम दीजिए बस, इसमें नेबुलाइज का कोई काम, नेबुलाइज का काम है लंग्स के अंदर के स्ट्रक्चर को खोलना, आपका काम है बाहर यहां तक के स्ट्रक्चर को खोलना। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया सर यहाँ पर, और आपका जी सर अभी इमरजेंसी ड्यूटी भी है सर, और जी सर थैंक यू सो मच सर, आप बहुत ओके जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके जी, थैंक यू, सबका धन्यवाद जी, बहुत बहुत ओके सर, थैंक यू सो मच सर, ओके थैंक जी यू सर। ओके ओके ओके। ओके सर।